नमस्कार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। देश में हर तरफ चुनाव प्रचार के रंग बिखरे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं सत्ता के 7 रंग। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में चुनाव प्रचार का ये तरीका डल झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य डल झील में दीप जलाकर देश में शांति और समृद्धि के लिए अपील करने पहुंची। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने डल झील में शांति के दीप जलाए। शांति दीप कार्यक्रम के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने डल झील में नाव रैली भी निकाली। घाटी की खूबसूरत वादियों में चुनाव प्रचार का अलग तरीका बेहद शानदार दिखा। यहाँ पर हम दिए जलाकर शांति का और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने आए हैं और ये बताने आए हैं कि हम कश्मीरियों के लिए, देश के सभी नागरिक जो हैं, उनकी सुरक्षा के लिए चौकीदार हैं। चुनाव का एक और अलग रंग देख लीजिए। ये हैं मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी कपिल पटेल। 21 अप्रैल को इनकी शादी होने वाली है। कपिल और उनकी होने वाली पत्नी अंतरा दोनों दिव्यांग हैं। 21 अप्रैल को दोनों की शादी है। कपिल ने शादी के लिए जो निमंत्रण पत्र छपवाए हैं, उसमें उन्होंने रिश्तेदारों से अपील की है कि वो चौकीदार को ही वोट दें। विश्व में भारत का जिस प्रकार से मान बड़ा है, तो हर भारतीय की यही अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, वो देश की सुरक्षा करें और देश के राष्ट्रीय हितों के लिए मजबूत बने। कपिल ने शादी के कार्ड में क्या लिखवाया, आप भी देखिए। विनम्र निवेदन, नव युगल को मत दीजिए उपहार, लिफाफा और नोट, कीजिए आतंकवाद पर चोट, दीजिए चौकीदार को वोट। ২০১৯ के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टेक्नोलॉजी और पारंपरिक कलाओं के जरिए प्रचार का प्लान बनाया है। बीजेपी गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ साथ जादूगरों का भी सहारा लेने जा रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए 52 डिजिटल LED रथ रवाना किए गए हैं। साथ ही गुजरात भर में 52 जादूगरों की टीम 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर्स को जागरूक करने के मकसद से रेलवे विभाग ने भी खास पहल की है। इस कड़ी में रेलवे विभाग ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है, जो अलग अलग स्टेशनों पर यात्रियों को मताधिकार का इस्तेमाल करने की खातिर प्रेरित कर रही। ट्रेन के पठानकोट पहुंचने पर जिला प्रशासन, चुनाव आयोग और रेलवे विभाग के अधिकारी खास तौर से मौजूद रहे, जिन्होंने ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया। भोजपुरी सिनेस्टार और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। आजमगढ़ जिले में महाराजपुर से निकला ये रोड शो 3 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए गुजरा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। ये तस्वीर ललितपुर की है, जहां बुजुर्गों ने आगे बढ़कर सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। जागरूकता कार्यक्रम में शामिल बुजुर्गों का मानना है, देश को सशक्त और मजबूत सरकार देने के लिए जरूरी है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि आपका एक मत देश का भविष्य तय करने की ताकत रखता है। बुजुर्गों के द्वारा की गई पहल को प्रशासन का भी पूरा साथ मिल रहा है। यूपी के महाराजगंज जिले में चाय की दुकान चलाने वाले सत्तन वर्मा ने लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का अनोखा तरीका निकाला है। सत्तन दुकान में आने वाले ग्राहकों को गर्मा गर्म चाय पिलाने के साथ लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। सत्तन ने दुकान की दीवारों पर स्लोगन लिखे पोस्टर भी लगाए हैं, जिसको लोग चाय की चुस्की के साथ पढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिमी ओडिशा के नयापाड़ा और कालाहांडी में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के रोड शो में
पीएम मोदी की दीवानगी नजर आई। ऐसा नहीं है कि जनता अपने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से नाखुश है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर वो पीएम मोदी को ही देखना चाहते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के रोड शो को कवर कर रहे हैं, जो कि कालाहांडी इलाके की खड़ियार विधानसभा में चल रहा है। आप देखिए नवीन पटनायक अपने बस में मौजूद हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, और यहां पर हम पब्लिक का मूड जान रहे हैं आखिरकार ओडिशा क्या करने जा रहा है, क्योंकि पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख राज्य है, 21 लोकसभा सीटें इसमें आती है, और क्या कुछ जनता यहां पर करेगी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सच बताइए कैसा है ओडिशा का मूड, पब्लिक क्या चाहती है यहां पर, मोदी नवीन पटनायक या राहुल गांधी? इस बार फिर नवीन पटनायक चाहते हैं लोग। अच्छा, जो भी हुआ पीठा प्रोग्राम और कालिया योजना, इसमें लोग खुश हैं थोड़ा, और उम्मीद है फिर से आने का। केंद्र में किसको चाहते हैं आप लोग? केंद्र में बीजेपी, केंद्र में मोदी, केंद्र में मोदी, ओडिशा में नवीन पटनायक। मोदी ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जितने दिन भी 5 साल में मोदी जी जो काम किए हैं, वो 70 साल में भी कांग्रेस उतना काम नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं हर महीने 6,000 रूपए देंगे, उस पर आप लोग? गलत बात है सर, सब गलत बात है, सब धुआं धुआं लालटेन दिखा रहे हैं, हम लोग को लालटेन दिखा रहे हैं। हम यहाँ बीजेडी को वोट देंगे, उजाला नहीं है, नहीं है, किरोसिनी ही नहीं है वहाँ पर। ये बड़ा यहाँ पर मूड आपको जनता का देखने को मिल रहा है कि कैसे ओडिशा में नवीन पटनायक तो केंद्र में मोदी सरकार की बात ओडिशा की जनता करती हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार हम आपको ओडिशा का मूड पल पल जी न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। कौन सा इलाका है ये? ये नयापड़ा जिला है, पश्चिम ओडिशा है। अच्छा, पश्चिम ओडिशा का वोटर क्या चाह रहा है, कैसी सरकार आनी चाहिए? अच्छा सरकार आना चाहिए। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? केंद्र में? हाँ, अब केंद्र में जो अच्छा काम करता है वही सरकार चाहते हैं हम। केंद्र में जो अच्छा काम करना चाहता है, हाँ, वही सरकार चाहिए हम। कौन अच्छा काम करना चाहता है? अच्छा देखिए, आगे की बात तो मैं बता नहीं सकता हूँ, अभी जो अच्छा काम किए हैं पिछले सरकार जो है, तो इसके लिए अभी अभी हमारे लिए वही अच्छा है। मोदी जी? हाँ मोदी जी। दिल्ली में कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या मुद्दे हैं? आपको उज्ज्वला योजना का गैस मिला यहाँ पर? हाँ मिला है। घर मिला है? हाँ घर मिला है। तो आप लोग किसका सरकार चुनेंगे? नवीन सरकार। लोकसभा में किसको वो क्या होगा? लोकसभा में नरेंद्र मोदी होगा। लोकसभा में नरेंद्र मोदी, और विधानसभा में नवीन पटनायक। क्यों, महिलाएं क्या सोचती हैं नरेंद्र मोदी को लेकर या नवीन पटनायक को लेकर? हाँ ठीक है, अच्छा सोचते हैं। साउथ इंडिया हो या ईस्ट इंडिया, दोनों तरफ कलाकारों का बोलबाला रहता है, फिल्म स्टार्स लगातार छाए रहते हैं, और इन राज्यों की राजनीति में फिल्म स्टार्स का बहुत दबदबा होता है। आज मैं नवीन पटनायक के रोड शो में, और हमारे साथ सुभाषिश शर्मा जिन्हें मंटोदा के नाम से जाना जाता है, और अनिशा जो कि ओडिशा की एक्टर एंड एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, हम इनसे ओडिशा पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। सुभाषिश, आपका जी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्या लगता है आपको ओडिशा की पॉलिटिक्स में इस बार क्या होने जा रहा है? दो तो 19 ईयर्स होके आया हुआ है, जो है नवीन जी है, सबके दिल में वो बैठे हुए हैं, लगता है वही होगा। आपको क्या लगता है अनिशा? 4 बार वो जीत चुके हैं, दिस ईयर वो पक्का जीतेंगे, भरोसा है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट है कि फिर से नवीन सरकार आएगा, पक्का आएगा इस बार। लेकिन अनिशा, मोदी सरकार को लेकर आप लोग का क्या व्यू है कि सेंट्रल में मोदी की, ओडिशा में ही नवीन पटनायक रह पाते हैं, यहाँ के सीएम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर आप लोगों को क्या राय है? नवीन पटनायक के ऊपर हमारे ऊपर हमें बहुत भरोसा है, नवीन पटनायक तो आएंगे ही आएंगे। सेंटर के ऊपर हम लोग उतना ही बोल सकते हैं, जो पक्के खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश के ऊपर कुछ अच्छा करेंगे वही जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है देश में किसे आना चाहिए? देश में जो अच्छे काम करेंगे वो आएंगे, तो वो तो मोदी जी रह चुके हैं, उसके पहले तो कांग्रेस आया था, तो अभी वो 5 साल में लोगों को एक्चुअली सब लोग सबको पता चल गया है क्या होने वाला है, उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ बोल सकता हूँ नवीन जी पक्का आएंगे। लेकिन सेंट्रल का आप नहीं बता रहे, आप छिपाना चाह रहे हैं। मैं आपसे, अच्छा मैं वैसे जनरली जानना चाहूँ, राहुल गांधी अच्छे हैं नरेंद्र मोदी? मुझे तो नरेंद्र मोदी पसंद है। आपको? मुझे मोदी। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक आपने देखा होगा, जो पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, इससे पहले उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये मुद्दा भी यहाँ स्ट्रीट पे है ओडिशा में? हाँ, मुद्दा तो सब जगह है, हम लोग तो सोशल नेटवर्क में मतलब कनेक्ट होके रहते हैं, सब सुनते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मोदी जी को सब भी बहुत पसंद करते हैं। क्या आप लोग को लगता है कि नवीन पटनायक को
ओडिशा की पॉलिटिक्स के बाद एनडीए के साथ आना चाहिए, नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए सेंट्रल में? इतना पॉलिटिक्स में आइडिया नहीं है हम लोगों का, नहीं बता सकते सॉरी। अनिशा, अगर मैं नरेंद्र मोदी के बारे में आपसे पूछना चाहूं, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे फिल्म स्टार्स जुड़ रहे हैं, जयप्रदा चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर से, एंड अगर मैं साउथ पॉलिटिक्स की बात करूं वहां पर भी कई स्टार्स पीएम मोदी के साथ जुड़े हैं, ओडिशा के स्टार्स पीएम मोदी को लेकर किस तरह से सोचते हैं, कैसे देखते हैं? अभी देखिए नवीन पटनायक के ऊपर हम खोए हुए हैं, इतने खोए हुए हैं, हम लोग सोचते ही मतलब हम लोग सोचे ही नहीं है कि सेंटर में क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी तक अगर हम लोग देखेंगे एक ही जन है जो कि मोदी हैं, जो कि यूथ से लेके जो भी जनरेशन हो वो उनको ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, तो हम लोगों को इतना पता है कि ओडिशा में हमें नवीन पटनायक ही चाहिए। ओडिशा में नवीन पटनायक एंड दिल्ली में वो तो टाइम ही बताएगा क्या होगा। ये देखिए अनिशा एंड मेंटो दा हमारे साथ में थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ओडिशा में नवीन पटनायक की जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा अच्छी है, उन्होंने अच्छा काम किया है, और अगर राहुल गांधी और मोदी में तुलना की बात की जाए तो ओडिशा के एक्टर्स मोदी को राहुल से ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 23 मई को नतीजे किस तरह के आते हैं, ओडिशा किसे चुनता है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कालाहांडी, ओडिशा। 11 अप्रैल को देश में पहले चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की 10 में से 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो है नागपुर की सीट। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी और कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नागपुर, जिसे महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है, जितने मशहूर नागपुर के संतरे हैं उतना ही प्रसिद्ध आरएसएस का मुख्यालय भी है, लेकिन 2014 से पहले नागपुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी ने नागपुर सीट पर एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को खड़ा किया है। वहीं कांग्रेस ने सीट पर इस बार नाना पटोले को उम्मीदवार बनाया है। साल 2014 की अगर बात की जाए तो उस वक्त गडकरी ने करीब 2,84,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी विलास मुत्तेवार को हराया था। नागपुर की लड़ाई इस बार सिर्फ विकास के मुद्दों पर नजर आ रही है। गडकरी ने अपनी चुनावी सभाओं में ना तो राम मंदिर का जिक्र किया और ना ही पाकिस्तान पर वो बोले। वो अपनी सभाओं और मीटिंग्स में नागपुर में बन रही मेट्रो, फ्लाईओवर्स, सड़कों के निर्माण, बायोफ्यूल के उपयोग और रोजगार की बात करते नजर आए। बड़ा बनने वाला है, इसका भी काम मंजूर हो गया है। ये ओल्ड नागपुर है, ये पुराने घर रोड पे आए थे, सबको कॉम्पेंसेशन मिलकर अब बड़ा बन रहा है। इतना बड़ा रोड शो है, उतनी भारी जीत, बहुत अच्छा है। लोगों का रिस्पांस अच्छा है, प्रेम अच्छा है, ये बात को सिद्ध करता है। इतने लोग हैं जो उस्फूर्त घर से बाहर आकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की नजर कुनबी वोट बैंक पर है। पश्चिमी महाराष्ट्र में जिन्हें मराठा कहा जाता है, विदर्भ में इन्हीं को कुनबी समाज कहा जाता है, और कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले इस कुनबी समाज से आते हैं। नागपुर लोकसभा में कुनबी समाज के बहुत से लोग रहते हैं जो जीत या हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। नाना पटोले ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भंडारा गोदिया सीट से एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल को हराया था, और कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को इस बार बड़े हेर फेर की उम्मीद नजर आ रही है। हमारा सवाल नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस से है कि 50,000 युवकों को हम रोजगार देंगे, ये बातें ये करते थे, इनके कार्यकाल में 5 साल में बिहार में कौन सी इंडस्ट्री उन्होंने लाया, ये सवाल का उनके पास जवाब नहीं है।